रहे हैं उस पर बने रहते हैं। जी क्या जी कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि बात बन जाए? क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि 33 दिनों से जो किसान बाहर उस ठंड में ठिठुर रहे हैं एक मांग को लेकर, वो मेज पर बैठे बातचीत करें? या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, वहीं पर बने रहें और वहीं पर होते रहे? मुद्दा तो ये है ना कि सबके भले में एक रास्ता निकले जिसमें किसानों के हित को सर्वोपरि रखा जाए। बिल्कुल श्वेता जी, इसीलिए तो इस मुद्दे को सबसे पहले हमने संसद में उठाया। जब हमारे सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, हमने कहा वोटिंग करवा लीजिए, पर इनको पता था राज्यसभा में ये हार जाएंगे, तो वोटिंग नहीं कराई और हमारे सांसदों को निष्कासित कर दिया। देखिए, विमर्श अगर आपको करना है, अगर विचार कुछ आपको करना है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि कौन कहां गया, ये महत्वपूर्ण है कि 45 शहादत के बावजूद कौन कहां नहीं गया। राहुल गांधी जी सबसे पहले किसान ट्रैक्टर यात्रा को लेके पंजाब हरियाणा में गए, ये देश ने देखा। हमारे सांसदों ने सबसे पहले इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, ये देश ने देखा। हमारी राज्य सरकारों ने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपने अपने लॉज बनाकर अपने रेजोल्यूशन पास किए अपने अपने विधानसभाओं में, जो आज राज्यपाल के पास पेंडिंग है। अब ये मैं सवाल इनसे मैंने पूछा था कि भाई इसको लीगल गारंटी क्यों नहीं करते, इसका जवाब नहीं। राहुल गांधी जी को गालियां दी, फिर मुझे गालियां दी। मैंने फिर पूछा कि ये सब एफिडेविट झूठा क्यों दिया, उसका कोई जवाब नहीं। अब मैं इनसे एक और सवाल पूछ देता हूँ जाते जाते। स्वामीनाथन आयोग में कुल कॉस्ट का 50% था, आपने वहां भी चोरी करी। आपकी चोरी की फितरत, आपकी झूठ की फितरत, फ्रॉड की फितरत जाती नहीं है। किसानों के साथ भी फ्रॉड किया और उसकी कॉस्ट को आपने कम करके दिखाया। फिर समय खत्म हो जाए उससे पहले कि इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी, मैं एक बोल दूं, कांग्रेस ने एक लाइन बात को, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने अपनी बात उठाई। मैं इनको बोलना चाहता हूं, भाई तुम अपना मैनिफेस्टो तो पढ़ो मत, हमारा पढ़ते हो अच्छी बात है, पर पूरा तो पढ़ा करो भाटिया जी। आप तो वही लाइन पढ़ते हो जो भाजपा कार्यालय से आपको दी जाती है। चलिए गौरव भाटिया, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, इन्होंने एक भ्रम फैलाया मंडी खत्म हो जाएगी। हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक विकल्प है, मंडी सिस्टम चालू रहेगा और विकल्प भी मिलेगा, ये किसान की बेहतरी के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा एमएसपी जो है वो बंद हो जाएगी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है एमएसपी चालू रहेगी, ये कहते हैं उसको कानून क्यों नहीं बना देते हैं? अरे 8 साल तक आपने तो लागू भी नहीं करी। और तीसरी बात, एक भ्रम ये फैलाया गया कि उनकी जमीन चली जाएगी, कॉरपोरेट आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, किसानों की जमीन कानून पढ़ ले, उसकी धाराएं बताती हैं किसानों की जमीन का करार नहीं हो सकता है और कोई रिकवरी भी नहीं हो सकती है उसमें। और इसीलिए श्वेता जी, ये जो ओपन मार्केट है, इससे किसान समृद्ध होंगे, उनकी खुशहाली आएगी, और इसीलिए हम प्रतिबद्ध हैं कि बात करते रहेंगे। कोई अगर संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो बातचीत में हम लोग हल निकाल लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। दंगल में हमने